आम आदमी पार्टी का जिक्र करांगे। आम आदमी पार्टी दे वल्लों मुख्यमंत्री चेहरे ते लई अज अपने पत्ते खोल दिते जाणगे। मोहाली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान करनगे। आम आदमी पार्टी दे वल्लों बकायदा इस लई फोन कॉल जरिए लोगों तो राय मंगी गई सी। लखां लोगों दे वल्लों आप दे सीएम चेहरे नूं लैके अपनी राय भी दित्ती गई। पिछली बार बिना सीएम चेहरे के चोण मैदान दे विच नित्री आम आदमी पार्टी नूं इस बार सीएम फेस दे नाल चोण मैदान दे विच ओ जावेगी, पर सीएम चेहरा कौन होवेगा इसका ऐलान अज हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी आपका अगला पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम ऐलानेगी। आम आदमी पार्टी का 2022 के इलेक्शंस का 2022 इलेक्शंस का सीएम फेस सीएम कैंडिडेट कौन होगा उसके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट औपचारिक घोषणा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। सो विधानसभा चोणां दे लई आम आदमी पार्टी दे वल्लों सीएम चेहरे नूं अज मैदान दे विच उतार दिता जाएगा और ऐलानिया जाएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी दे वल्लों केड़ा उचेरा होवेगा जिहड़ा कमान संभालेगा। सो बजम साडे सहयोगी इस समय साडे नाल मौजूद ने। बजम, जानकारी लेना चाहवांगे किन्नी देर तक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होवेगी, कदों तक अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचणगे? देखो 28 मिनट का समा जिहड़ा है वह रह गया क्योंकि 11 बजे के करीब दस्या जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इत्थे जिहड़ा है वह पहुंच जाएंगे। तो तस्वीर मैं कहूँगा अपने कैमरा मूं इत्थे दी भी जरूर दिखाण क्योंकि इत्थे जिहड़ा काफिला है अरविंद केजरीवाल का वो पहुँचना शुरू हो गया है। जिहड़े तमाम लीडर्स ने वो कुछ ही देर जो है वो पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर इस वक्त थोड़े सामने ने कि जिन्हें भी जिहड़े दिल्ली के जिहड़े तमाम जिहड़े लीडर्स ने आम आदमी पार्टी के वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। उन्होंने काफिला जिहड़ा पहुँचना शुरू हो गया इत्थे तक कि जिहड़ी पेट्रोलिंग गड्डी है जिहड़ी नाल चलती है वह नाल जिहड़ी है वो लगनी शुरू हो गई है। पर नाल दे नाल क्योंकि थोड़ा दस दिए अज पटारा खुलना है तो पता लगना है कि आखिरकार कौन होएगा सीएम फेस आम आदमी पार्टी वालों। पर नाल दे नाल देखो 96 घंटे जिहड़ा है वह उस दे विच ही जिहड़ा है 19 लाख लोगों ने अपनी राय दित्ती, 6,50,000 लोगों ने वट्सएप राही, 8 लाख लोगों ने जिहड़ा है वह कॉल राही अपनी सलाह दित्ती, पर नाल दे नाल 2,25,000 लोगों ने जिहड़ा है वह वॉइस कॉल राही अपनी जिहड़ी है सलाह दित्ती है। तुसीं अंदाज़ा ला सकदे हो कि कितना वड्डा रिस्पोंस जिहड़ा है वह इस चीज़ नूं मिलिया है। पर नाल दे नाल साडे कोल जिहड़ा है क्योंकि तुसीं पुछिया सीगा कि आखिरकार किन्ने वजे जिहड़ा है वह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसका टाइम टू टाइम जिहड़ा है वो साडे कोल जरूर आ गई लिस्ट जिहदे विच लिखा गया कि 12 बजे के करीब जिहड़ा है वो राघव चड्ढा अपनी स्पीच देणगे अपनी जिहड़ी इंट्रोडक्शन करवाएंगे सब सारिआं तों। उस तों बाद जिहड़ा है वो अरविंद केजरीवाल 12:02 ते जिहड़ा है वो अनाउंसमेंट करेंगे ओपीनियन पोल दी ते नाल दे नाल डिक्लेयर करेंगे सीएम कैंडीडेट आम आदमी पार्टी वालों। यारी 12:02 to 3 के विच विच जिहड़ा है वो ओपीनियन पोल दे बारे दस्या जाएगा ते नाल दे नाल सीएम कैंडीडेट कौन होएगा आम आदमी पार्टी दा उस समय पता लग जूगा। उस तो बाद जिहड़ा है एक फोटो ऑप जिहड़ा है होएगा जिहदे विच अरविंद केजरीवाल होणगे, राघव चड्ढा होणगे जिहड़े सीएम कैंडीडेट ने उह होणगे ते उहनां दा परिवार। उस तो बाद एक वीडियो चलाई जाएगी, इस तो बाद जिहड़ा है दस्या जा रहा है कि जिहड़े सीएम कैंडीडेट दे परिवार ने उह अपनी गल जिहड़ी है उह रखणगे, जिस तो बाद सीएम कैंडीडेट जो होणगे वो अपनी परिवार दी अपनी माफ करना गल जिहड़ी है वो रखणगे अपना विजन दसणगे, पर दसणगे कि किस तरीके नाल हुण क्योंकि सीएम फेस जिहड़ा है वो मिल चुके आम आदमी पार्टी नूं तां अगे किस तरीके नाल आम आदमी पार्टी कम करेगी। पर नाल दे नाल जिहड़े कयास लाए जा रहे ने पिछले हफ्ते भी असीं कहा सीगा हुण भी आही जिहड़े उस सूत्रां दे हवाले तों इही खबर मिल रही है कि भगवंत मान दा नां उस समें भी अगे सीगा। जे पार्टी दी गल करिए तां हुण भी जिहड़ा है वो जिस तरीके नाल इहने पोल कराए जिस तरीके नाल नंबर जारी किया उस दे विच भी भगवंत मान का नाम जिहड़ा है वो सब तो अगे आ रहा है। असीं इह जिहड़ा है 2 दिन का दस रहे हैं कि जद तो वोटिंग की शुरुआत हुई उस समय तो लैके हुण तक जिहड़ा है वो भगवंत मान का ही नाम सब तो अगे आ रहा है। बिल्कुल बसम, आम आदमी पार्टी का यह दावा कर रही है कि करीब 22 लाख लोगों ने जिहड़ा रिस्पोंस किया, 22 लाख लोगों ने फोन कॉल जरिए मैसेज जरिए वट्सअप जरिए रिस्पोंस दिता है। हर कोई दस रहा है कि आखिरकार सीएम चेहरा किस तरह का होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के वलों चेहरा कौन होना चाहिए, की लगता है आम आदमी पार्टी किसनू पहल देगी? चेहरे कोई भी हो सकता, भगवंत मान भी हो सकते ने, हरपाल चीमा का भी नाम कितना कितने आ रहा है, थोनू लगता है कि हरपाल चीमा नू भी लोग देखते ने एज अ सीएम? देखो कुछ लोग होंगे जड़े हर आम आदमी पार्टी के विधायक जड़ा है वो एज अ सीएम कैंडिडेट देखते होने, जे
एक एक हल्के की गल करिए अपने एम एल ए जो है एक सीएम कैंडीडेट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, पर जे पूरे पंजाब की आवाम की गल करिए पूरे पंजाब का की रुझान रहा, जिवें कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 22 लाख लोगों ने जोड़ा इसते रिस्पोंड किया इसते रिप्लाई किया, तो वह देखना होएगा कि वह 22 लाख जोड़े लोग ने वो ये चीज़ भी देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो प्रधानगी निभाते हुए जोड़ा है वह आम आदमी पार्टी किस तरीके उत्ते लैके आई है। एक जरूर देखना होएगा क्योंकि पिछली बार 2017 च पार्टी विदाउट सीएम जरा फेस वो चोणा से उतरी सी तो सिर्फ भी सीटा जी आईया जबकि लहर बहुत ज़्यादा थी। ये कहा जा रहा है कि उस समय जोड़ा है वो आम आदमी पार्टी हर पास जोड़ा है जेतू साबित हो रही थी, जोड़ा है उस समय की जानकारी मिलती सी, पर उस समय भी जोड़ा 20 सीटा आई हैं। हूँ सीएम कैंडीडेट जोड़ा फेस होएगा सीएम कैंडीडेट जोड़े हो उस दे चेहरे मुताबिक किन्ना अगे जोड़ा है वो जा सकती आम आदमी पार्टी, इस बार जरूर देखना होएगा किन्ना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती आई है गल कि असी जी गलती पहला की थी वो गलती नहीं दोहरावे, तो इस बार जोड़ा है वो सीएम फेस जोड़ा है वो नाल ही चोणों से उतरा। हूँ यह देखना होएगा कि आखिरकार जब सीएम फेस मिलते हैं उसका किन्ना फायदा मिलता है, किन्ना रिस्पोंस जोड़ा है होर धरातल से मिलता है भगवंत मान जब बनाया जाता है, पर नाल दे नाल क्योंकि यह जानकारी मिल रही है ये पार्टी के जो लीडर्स ने वो सूत्र दस रहे हैं कि भगवंत मान के नाम की मोहर जी लग चुकी है क्योंकि सब तो अगे भी चल रही है, ऐलान होना बाकी है, बिल्कुल ऐलान होना बाकी आम आदमी पार्टी के वालों कुछ ही समय का इंतजार है। बजम पल पल की अपडेट थोड़े को इस बाबत असं लेंदे रहेंगे, फिलहाल जी जानकारी दी है उस शुक्रिया करना चाहेंगे।